हेलो दोस्तों, मैं मनीष आर्य पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो रीजनिंग का हमारा क्लास टू है। इससे पहले मैंने रीजनिंग का क्लास एक अपलोड कर चुका हूं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब था और ये भी आज का भी जो है टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है। तो प्लीज़ बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पी सी एस मेकर पे। तो हम लोग का टारगेट क्या है, 60 दिन 180 वीडियो, मतलब क्या एक एक वीडियो में बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैथ रीजनिंग और जीके जीएस का क्लास आपको मिलेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पी सी एस मेकर पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा आपका जो टाइमिंग है वो याद रखिएगा 7 AM में आपका जीके जीएस का क्लास है, ठीक है, और 2 PM में फ्रेंड्स, ठीक है, 2 PM में आपको रीजनिंग का क्लास रीजनिंग का वीडियो मिलेगा और 7 PM में आपको फ्रेंड्स मैथ्स का क्लास मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब की बार क्या है, यहाँ पे देख ही रहे होंगे, अब की बार रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी पार। तो बने रहिए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए होंगे तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं हम लोग फिर के रीजनिंग क्लास टू के मॉक टेस्ट। यहाँ पे देखिएगा मॉक टेस्ट लिखा हुआ है, मॉक टेस्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम, मतलब कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। मतलब क्या आपको जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसको चुनना है, चूज करना है। तो देखिएगा कोरिया, कोरिया का जो करेंसी है, मतलब कोरिया का जो मतलब मुद्रा है उसका नाम वॉन है। तो अर्जेंटीना का मुद्रा का नाम क्या है, तो देखिएगा ऑप्शन ए पेशो, बी येन, सी दिरहम, डी भट्ट। तो देखिएगा इसका आप लोगों को करेंसी के बारे में पता होना चाहिए कि करेंसी किस किस देश की कौन सी करेंसी है, क्योंकि ये तो जीके जीएस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूछा जाता है, क्योंकि रीजनिंग एक लॉजिक लॉजिक पूछा जाता है। रीजनिंग में हमेशा पूछा गया था कि लॉजिकली चीज कि आप लॉजिक आप कितना यूज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यानी कि पेशो हो जाएगा। मतलब क्या कि कोरिया, कोरिया का जो करेंसी है उसका, कोरिया का जो करेंसी है वॉन है, तो अर्जेंटीना क्या हो जाएगा, पेशो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें ये थोड़ा सा मैं इसका कैपिटल बता देता हूँ ताकि आप लोग को मतलब जीके में प्रॉब्लम हो, तो अर्जेंटीना का जो राजधानी है ना वो व्यूनस आयरस है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और जबकि 1 भिन्न है, तो बेजोड़ का चयन करें। मतलब क्या, देखिए फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपका 3 सेम है। ठीक है, 3 आपका सेम है, इसमें से आपको एक ऑड आउट, ऑड वन आउट जिसको बोलते हैं ना, तो ऑड वन आउट का एक क्वेश्चन है, इसमें आपको चूज करना है। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन में डी डी यानी कि स्मॉल डी, मतलब फिर ई ई स्मॉल ई, फिर स्मॉल एफ, फिर कैपिटल 2F हो गया। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे यू यू, यू वी है, पी क्यू है, एम एन है, तो ये सब स्मॉल 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 है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में कि आपका डी ई और ई तीनों आपका कैपिटल में, तो बाकी सब तो आपका सेम है लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, अलग है। तो ऑड वन मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा अच्छे से। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो प्लीज आप बने रहिएगा यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 14 है, मतलब नंबर सीरीज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा आराम से इसको समझिएगा। ठीक है, 14, 17, 23, 32, 44, 59। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा इसमें लॉजिक क्या कहता है, इसमें लॉजिक है क्या, उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम 14 से अगर 17 पर आते हैं तो क्या हो जाएगा, कितना का अंतर है, कितना इसमें ऐड हुआ है, तो +3 ऐड हुआ है। 17 से तो 23 में जा रहे तो कितना प्लस हुआ है, तो 6 प्लस हुआ है। 23 में हम लोग 32 पे जा रहे तो कितना प्लस हुआ है, तो +9 हो गया है। तो 32 में 44 पे जा रहे तो कितना प्लस हुआ है, तो 12 प्लस हुआ है। मतलब कहने का क्या मतलब फ्रेंड्स कि 3 मतलब 3 का मल्टीपल है ये, 3, 6, 9, 12, 15, 18। देखिएगा फ्रेंड्स, तो 12, 44 हो गया। अब 44 में अगर हम लोग 15 को ऐड करेंगे फ्रेंड्स, तो 59 हो जाएगा। और 59 में अगर 18 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 77 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आराम से इसको बनाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 14 देख लिए ना कि डिफरेंस मतलब कितना ऐड किए, तो 3 का मल्टीपल किए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, उसके बाद 18, उसके बाद 15 में 3 को ऐड किए तो 18, तब 59 में अगर 18 को ऐड कर देंगे तो 77 आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा अच्छे से, इसको क्लियर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे हुए प्रीवियस में क्वेश्चन ईयर है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो संख्या चार जोड़ दिए गए हैं, ठीक है ना, आपका चार का संख्या का जोड़ दिए गए हैं, जिनमें से तीन किसी तरह से समान है जबकि एक भिन्न है, चयन करें एक का। मतलब क्या, ये भी क्वेश्चन जो आपका है ऑड वन आउट का है, मतलब क्या आपको चार दिया हुआ है सेम और एक आपका डिफरेंट दिया गया है, तो इसको आप लोग क्या करना है, देखना है इसको, ठीक है फ्रेंड्स, देखना क्या है तो देखिएगा, बहुत अच्छा लॉजिक इसमें दिया गया है और अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे सिक्स्थ ऑप्शन ए में क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है कि 6 12 है, बी 12 8 है, सी 24 4 है, डी 6 16 है, तो आप लोग कंफ्यूजन है ये क्या है, लॉजिक नहीं लॉजिक है, तो थोड़ा सा आप लोग पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसके बाद इसका आंसर देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा यहाँ पे 6 2 है, तो यहाँ पे अगर इसको मल्टीपल करते हैं, मल्टीपल करके पहले चेक करते हैं क्योंकि ऐड करने से होगा नहीं, तो 12 में 6 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, 12 में 8 करेंगे तो 20, तो ये तो ऐसे डिफरेंट हो गया, 24 में 4 में ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, डिफरेंट हो गया। लेकिन देखिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, ऐड तो होगा नहीं, सबट्रैक्ट तो होगा नहीं, हम लोग करते क्या ना कि मल्टीपल करके देखते हैं, मल्टीपल करके देखिएगा फ्रेंड्स कि अगर हम 12 में अगर 6 से मल्टीपल करेंगे तो 12 6 क्या होता है 72, यानी कि 12 6 क्या होता है 72 होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे हम लोग देखते हैं 12 में 8 से, तो 12 में 8 से करते हैं तो 96 आता है। तो अच्छा फ्रेंड्स देखिए, अब ए नहीं मिल रहा है, बी मिल रहा है, मतलब ए बी दोनों अलग हो गया। अब देखते हैं सी भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, देखिए सी 24 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं डी में कि 6 में, यानी कि 6 में अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 हो गया। मींस कहने का क्या मतलब कि बी सी डी आपका सब सेम है, लेकिन आपका ए जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑड है, मतलब क्या अलग है, क्या फ्रेंड्स, तो अलग है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया, देखिएगा क्वेश्चन को आराम से समझिएगा, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहां पे 6 में अगर 12 से मल्टीप्लाई किए तो 72 आया, बाकी सबके मल्टीप्लाई करने से 96 आता है, लेकिन आपको 12 में 6 से मल्टीप्लाई करने से केवल क्या आता है तो 72 आता है, इसलिए आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बस लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए, आपको जैसे भी रीजनिंग का मतलब होता है कि लॉजिक, आप कितना सोच सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि आप लोग गलत बना लीजिएगा, गलत मत बनाइएगा, इससे अच्छा आप लोग स्किप कर दीजिएगा, ठीक है ना, एग्जाम में आप लोग स्किप कर दीजिएगा, मींस क्या गलत नहीं बनाइएगा, ठीक है, नहीं तो 0.25 का मार्क्स बिना बात का कट जाएगा, आते हुए भी वो क्वेश्चन कट जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखते हैं हम लोग कंक्लूजन, ये सेल्युलिज्म का क्वेश्चन है आपका, देखिएगा फ्रेंड्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कथन देता है, मतलब कि स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन का क्वेश्चन है। देखिएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब कथन क्या था, कह रहा है क्या सभी पेपर स्टेशनरी है, क्या फ्रेंड्स सभी पेपर स्टेशनरी है, मतलब क्या सभी पेपर स्टेशनरी है, यानी कि सभी पेपर स्टेशनरी है, ठीक है, और कुछ पेपर बुक है, और कुछ पेपर क्या है फ्रेंड्स, तो कुछ पेपर आप बना लीजिए, कुछ पेपर क्या है तो बुक है, ठीक है, ऐसे हो गया ना, ऐसे बनेगा ना कि सभी पेपर स्टेशनरी है फ्रेंड्स। तो देखिएगा आराम से इसको अच्छे से बनाइएगा, आराम से समझ के कि यहाँ पे क्या मैंने बताया कि सभी पेपर ये आपका पेपर है, सभी पेपर क्या है फ्रेंड्स, तो स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी हो गया, ठीक है, और कुछ पेपर बुक है, और कुछ पेपर क्या है, तो ये आपका पेपर है और कुछ बुक है, तो कुछ पेपर क्या हो गया फ्रेंड्स, तो आपका बुक हो गया, हो गया ना बुक। अब देखिएगा आपका ऑप्शन यानी कि निष्कर्ष क्या कहता है, कंक्लूजन क्या कहता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कुछ स्टेशनरी पेपर है, तो देखिए था फ्रेंड्स कुछ स्टेशनरी पेपर है, दोनों में मतलब हल्का सा मतलब मैच कर रहा है ना, ये सही है ना, तो आपका पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा कुछ स्टेशनरी पेपर है, तो ये आपका स्टेशनरी हो गया और ये आपका पेपर हो गया, तो कुछ स्टेशनरी पेपर है ना, है कि नहीं है, है। जब हम लोग ये क्या होता है ना कि जब हम लोग अंदर से जब बाहर जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जब हम लोग अंदर से जब बाहर जाते हैं तो कुछ रहता है, जब हम बाहर से अंदर आते हैं तो कुछ और सभी दोनों अच्छे से दोनों फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ स्टेशनरी पेपर है, तो कुछ स्टेशनरी पेपर है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, आगे है कि कोई स्टेशनरी पेपर नहीं है, तो यहाँ पे नहीं का तो जिक्र ही नहीं करना है, नॉट वाला तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। थर्ड देखिएगा कि कोई बुक स्टेशनरी नहीं है, तो देखिएगा तो कोई बुक इसमें भी नॉट का जिक्र कर रहा है, मतलब ये पॉजिटिव आपका क्या है स्टेटमेंट दिया हुआ, इसमें निगेटिव है तो ऑलरेडी ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि थर्ड नंबर भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और फोर्थ नंबर देखते हैं ऑप्शन में कि कुछ बुक पेपर है, अब देखिएगा यहाँ पे आपका बुक है और ये आपका पेपर है, तो डिफ थोड़ा सा मतलब कुछ का मतलब इसमें दिखा रहा है ना, तो दिखा रहा है मतलब कि आपका जो फोर्थ नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन फोर, यानी कि आपका राइट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन फोर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ फ्रेंड्स, क्लियर हुआ ना, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप आराम से इसको देखिए और समझिए। देखिए इसका आप थोड़ा सा दिया बताया हूं मैं यहां पे थोड़ा सा अच्छे से समझा के, ताकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका भी थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है ना, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिक्स नंबर क्वेश्चन, देखिएगा कि संडे, ठीक है, संडे को हम लोग आर डब्ल्यू के एच भी
से डिनोट करेंगे तो एनुअल को हम लोग कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, एनोलॉजी का क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छा लॉजिक है इसमें भी फ्रेंड्स, और मैं इसको बनाया हूँ बहुत अच्छे तरीके से बनाया, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा फ्रेंड्स, SUNDAY संडे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, संडे आपका लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, RWKHVE लिखा हुआ है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, अब एस से आर गया है, तो एस से आर गया है मतलब क्या है, देखिए तो एस से आर में जाने में कितना माइनस का एक हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आर से ऊपर एक है, तो एस से अगर हम नीचे जाएंगे तो माइनस का वन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया माइनस का वन, फर्स्ट में क्या हो गया माइनस का वन हो गया। सेकंड में देखिएगा, यू से डब्ल्यू है, तो यू से क्या करते हैं, यू भी डब्ल्यू, तो प्लस का दो ऐड करते हैं, तो माइनस का वन हो गया, प्लस का दो हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, तो यू से अगर हम डब्ल्यू जाएंगे तो कितना का आगे रहेगा, तो प्लस दो का अंतर है तो प्लस दो हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, एन से के है मतलब क्या, अगर हम केन से एन, के से अगर एन, मतलब एन से अगर हम के जाएंगे तो माइनस का तीन रहेगा, अगर हम n से k आएंगे मतलब क्या, अगर मान लीजिए कि अगर n है, अगर हमको k पे आना है, तो माइनस का तीन करेंगे कि नहीं करेंगे, तभी तो k पे आएंगे ना, तो यहाँ पे माइनस माइनस का तीन हो गया, तो यहाँ पे k हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अगला देखिएगा, यहाँ पे o से h है, यानी कि आपको अगर हम h मतलब क्या, यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, सॉरी संडे d है ना, o नहीं, यहाँ पे देखिए d देख लीजिएगा, d है, अगर d से अगर हम h जाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का h मतलब d e f g h, यानी कि प्लस का h हो गया मतलब प्लस का चार हो गया, तो प्लस का चार हो गया मतलब h हो गया, ठीक है। तो देखिए लॉजिक क्या काम कर, अब देखिएगा लॉजिक से, दो तीन चार आपका मैच कर रहा है ना, चार से पांच अगर लॉजिक अगर मैच कर रहा है तो छठा तो ऑटोमेटिक है कि लॉजिक मैच करेगा, ठीक है, लेकिन तीन से प्लस ही आप लोग चेक कीजिएगा, अगर आप लोग चेक कीजिएगा तभी आपको मजा आएगा, नहीं तो नहीं अच्छा आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा, तो अब देखिए यहां पे माइनस का 1 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 6, समझ में आया, मतलब माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 3 प्लस का 4 माइनस का 5 प्लस का 6, उसी प्रकार से हम लोग एनुअल में करेंगे, माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 3 प्लस का 4 माइनस का 5 प्लस का 6, तो ए में अगर माइनस का 1 करेंगे तो जेड हो जाएगा, अगर n में प्लस 2 करेंगे तो p हो जाएगा, n के बाद 2 अगर ऐड करेंगे, n में अगर 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, NOP हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर 3 में माइनस 3 अगर n में माइनस 3 करेंगे तो k हो जाएगा, क्योंकि k LMN यानी कि n में अगर माइनस को हम लोग 3 करेंगे, n पे कितना होता है, n 14 पे होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम लोग 14 में अगर माइनस अगर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल सा है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपको क्या है 14 यहाँ पे, तो 14 में माइनस को 3 कीजिए, तो 3 कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, के पी आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना, के पी आ जाएगा। आगे देखिएगा, तो 11 पे क्या होता है, 11 पे के होता है ना, तो के क्या हो गया, 11 पे हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए, उसका यू पर प्लस प्लस 4 करेंगे तो यू के बाद अगर यू में प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू हमारा क्या पे है, अगर हमारा यू की बात करें तो यू हमारा क्या होता है, 21 पे होता है, अगर 21 पे 21 में अगर हम लोग 4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, 25, 25 होगा, तो 25 पे हमारा क्या है, तो वाई है। देखिए फ्रेंड्स, आपको अल्फाबेट सीरीज अल्फाबेट जो आपका अल्फाबेट का जो पोजीशन होता है ना फ्रेंड्स, वो प्लीज आप लोग उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको उससे क्वेश्चन बनाने बहुत ज्यादा ईजी रहेगा, अगर याद रहेगा तो, अगर नहीं याद है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे ए में माइनस 5 किए तो वी आ गए, और एल में प्लस 6 किए तो आर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से हमारा जो ये राइट आंसर हो जाएगा उसको देखिएगा, ठीक है, ZPK YVR यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आराम से समझिए, रीजनिंग आराम से बनाने की चीज है, आराम से बस सोचिए, हाँ, लेकिन जितना फास्ट आप कितना फास्ट सोच सकते हो वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको खुद से बनाने का मन है तो वीडियो को पॉज करके और उसके बाद क्वेश्चन उतार के आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा लॉजिक है, देखिएगा जितने आपको क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए, ठीक है। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर है फ्रेंड्स, कि CYB लॉजिक को थोड़ा समझिएगा, CYB लिखा हुआ है, FUZ लिखा हुआ है, IQL लिखा हुआ है, LMQ लिखा हुआ है, OIV लिखा हुआ है, तो ये आपका अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्या करेंगे, लॉजिक को कुछ नहीं करेंगे, मान लीजिए सी से अगर हम लोग एफ में जाएंगे तो कितना का डिफरेंस हो जाएगा, देखिएगा प्लस 3 मतलब CEF प्लस 2 हो जाएगा, FGH यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस 2 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 कर लीजिएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, प्लस 2 हो जाएगा। देखिएगा थोड़ा सा कि अगर सी के सी से अगर एफ पे जाएंगे तो कितना, CDEF तो यहाँ पे प्लस का 3 सही है, प्लस का 3 ही होगा फ्रेंड्स, ठीक है, तो प्लस 3 हो जाएगा। अगर एफ से अगर आई जाते हैं GHI तो यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा, अगर एच से एल जाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, IJKL हो जाएगा, एल से अगर हम लोग फ्रेंड्स ओ पे जाते हैं तो क्या कृष्णा का डिफरेंस हो गया, 3 का डिफरेंस हो गया था, LMNO, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला तो क्लियर हो गया कि 3 का डिफरेंस होगा, तो फिर अगला में अगर 3 अगर O में अगर 3 को ऐड करेंगे तो आगे वाला आ जाएगा, तो O के बाद लिखिए 3 बोलिए तो OMNOPQR, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, R तो पहले तो क्या आ गया, R आ गया, पहला क्लियर हो गया R। देखिएगा अगर आपको एक या दो अगर मिल जाए, देखिए इससे पहले क्या होगा, आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी कट गया, ऑप्शन तो ए सी ऐसे ही कट गया, अब आपको ऑप्शन क्या देखना है, ऑप्शन बी देखना है और ऑप्शन डी देखना है फ्रेंड्स।
प्लीज आप लोग थोड़ा सा एलिमिनेट, यानी कि क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ना उसको एलिमिनेट करना सीखिएगा, ठीक है। एलिमिनेट कीजिएगा तो और आपका फास्ट बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन को आपको छांटना, ऑप्शन छांट दीजिएगा ना तो आपको बहुत ईजी लगने लगेगा, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शन आपका ए और सी आपका तो एलिमिनेट हो गया ना। अब देखते हैं स्क्रीन पे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका वाई है, क्या है वाई है, वाई से हम लोग यू जाते हैं तो वाई के बाद यू कितना ऐड करते हैं, तो फोर, तो वाई हो गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा, थोड़ा सा रिवीजन, मतलब इधर से अब आइएगा, इधर से आने का मतलब क्या, थोड़ा सा आई से अगर हम एम पे जाएंगे, अगर आई से एम पे जाएंगे तो कितना, तो प्लस का फोर करेंगे, आई जे के एल एम, एम हो गया। अगर एम से हम लोग क्यू पे आएंगे तो प्लस का फोर, क्यू से अगर हम लोग यू पे आएंगे तो प्लस का फोर, और यू से हम लोग वाई से आएंगे तो प्लस का फोर करेंगे, ठीक है। तो आई से पहले हम लोग अगर मतलब क्या, मतलब कौन से अल्फाबेट में अगर प्लस का फोर करे कि हम लोग आई पे आ जाएंगे, तो सिंपल सा है, थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा कि क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, सिंपल सा फ्रेंड देखिएगा, ई E Z H E F G H I, तो अगर यहाँ पे अगर हमारा फ्रेंड्स अगर E हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, अगर E हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E F G H I, तो यहाँ पे प्लस का फोर, यानी कि I में अगर माइनस का फोर करेंगे तो यहाँ पे E हो जाएगा ना। थोड़ा सा आप लॉजिक से समझिएगा और अच्छे से समझिएगा, आराम से इसको बनाइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, तो यहाँ पे E हो गया और A हो गया, मतलब E हो गया और R हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। R और E आपका हो गया है, तो अब देखिएगा कि आपको लास्ट क्या ढूंढना है, तो R हो गया, E हो गया, तो देखिए तो कोई ऑप्शन में आ रही है, तो ऑप्शन बी में भी आ रही है और ऑप्शन डी में भी आ रही है, ठीक है। तो अब लास्ट वाला चेक करना पड़ेगा हमको, तो लास्ट में क्या चेक करना है फ्रेंड्स, देखिएगा बी से हम लोग जी पर जाने में कितना का ऐड करना पड़ता है, प्लस 5 का, तो यहां पे देखिए 3 का 4 का 5 का, कुछ लॉजिक समझ में है, एक बार 3 में और ऐड करना है, एक बार 4 में ऐड करना है, और फिर क्या करना है, 5 में ऐड करना है, तो इसमें 5 में ऐड करते रहिए, तो 5 में जैसे ही 5 में अगर ऐड करोगे तो v में अगर हम लोग 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो v में 5 को ऐड करने पर a आएगा, मतलब v W X Y Z A, तो V में अगर हम लोग फ्रेंड्स अगर 5 को ऐड करेंगे तो V के बाद क्या होता है, W X Y Z A, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, यानी कि R E F, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको आराम से बनाइए, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को आराम से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि किसी विशिष्ट कुट भाषा में ULTERIOR अल्टेरियर, अगर किसी विशिष्ट कुट भाषा में अल्टेरियर को हम लोग 3325969 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में नेविगेशन को कैसे लिखा जाएगा। देखिएगा, ये भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप लोगों को अगर हो तो आप लोग पहले इसे बना के देखो, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को रीजनिंग आती है, अच्छे से आती है, तो ये प्रैक्टिस करके देखो ना, आप लोगों को लग रहा है कि कितना कॉन्फिडेंस लेवल के, क्योंकि मैं ये इजी वाला क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दूंगा, ये इजी वाला क्वेश्चन उतना एग्जाम में पूछता नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मैं थोड़ा सा लेवल को अप करके दे रहा हूं ताकि आपके कोई भी एग्जाम में ये काम दे, NTPC ग्रुप डी में तो काम दे ही गए, मतलब SSC रेलवे कोई भी एग्जाम के आप मतलब कर रहे हैं उसमें सब में ये क्वेश्चन को काम दे, तो इसको क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं इसका आंसर बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इसको, क्या मैंने बताया, तो देखिएगा आपका फ्रेंड्स यहां पे जो लिखा हुआ है ना, वो क्या मैंने बताया कि अल्टेरियर को कितना लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है तो 3325969 लिखा हुआ है, तो अब कैसे होगा सर, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, तो सिंपल सा, सबसे पहले मैंने क्या आपको बताया कि आपको अल्फाबेट का पोजीशन याद होना चाहिए, अगर अल्फाबेट का पोजीशन याद है तो आपका क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा, एकदम आराम से बनेगा। और आप लोग सोचोगे सर मैं लिख लूंगा, तो लिखने नहीं देता है पेन, जो होता है ना पेन, जब एग्जाम स्टार्ट होगा ना उसी टाइम आपको पेन भी मिलता है, उससे पहले आपको पेन नहीं दिया जाता है, थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे U का पोजीशन क्या होता है, 21, L का क्या होता है 12, T का क्या, T20 मैंने बताया था, T का 20 हो गया, E का 5 हो जाता है, R का 18 हो जाएगा, I का 9 हो जाएगा, O का 15 हो जाएगा और R का 18 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिएगा 2 को प्लस में 1 ऐड किया तो यहाँ पे 3 हो गया, देखिएगा आराम से समझिए, 2 को 1 को ऐड किया तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे भी 21 को, यहाँ पे इस L को भी 21 को ऐड किया तो 3 हो गया, देखिए तो 2+0 20 को मतलब 2+0 को ऐड करेंगे तो 2 ही ना होगा, 2 हो गया, आगे देखिए तो 5 को ऐड करेंगे तो 5 का तो 5 ही हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 8+1 को R को, R जो है 8+1 करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा फ्रेंड, 9 हो जाएगा, आगे देखो फ्रेंड्स, आगे देखो 9 है यहाँ पे तो 9 ऑलरेडी यहाँ पे 9 हो जाएगा, आगे देखो 5 और 1 में मतलब 15 जो है वो कितना है, ऊपर 15 है तो 5+1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 8+1 18 मतलब 18 पे क्या है R है तो 8+1 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। कुछ लॉजिक समझ में आया कि नहीं, इस लॉजिक, तो यही आपका लॉजिक है, बहुत ही अच्छा लॉजिक है ये, देखिएगा फ्रेंड्स उसका। देखिए अब यहां पे नेविगेशन पूछ रहा है तो इनका कितना होता है 14, तो 4 में 1 को ऐड किए तो 5 हो गया,
पहला क्लियर। अब ए का क्या होता है वन, तो वन का हम लोग वन लिख देंगे। वी का कितना होता है वी, वी का होता है 22, तो 22 कितना होता है 4 होता है, तो 4 लिख दिए फ्रेंड्स। आई का कितना होता है 9 होता है, तो 9 यहाँ पे आई का 9 लिख दिए। जी का कितना होता है 7, यहाँ पे जी को ऐसे कर दीजिएगा तो 7 हो जाएगा ना, बताया था मैं कुछ आपको लॉजिक। तो जी का क्या होता है 7 होता है, तो यहाँ पे क्या फ्रेंड्स जब 7 हो गया, आई का 1 होता है तो आई का 1 हो गया। टी ट्वेंटी तो पता ही आपको 2 + 0 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए आई का 9 होता है तो यहाँ पे 9 हो गया। अब ओ का 15 होता है तो 1 + 5 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पे एन का 14 होता है तो 4 + 1 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिएगा 5 1 4 9 7 1 2 9 6 5, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बी में कंफ्यूजन मत, सी डी में नहीं होगा क्योंकि डी में थोड़ा सा अलग है, 2 2 9 2 5 है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो ये आपका लॉजिक है, आप प्लीज आप इस लॉजिक को अच्छे से बनाइए, कोशिश कीजिए बनाने का आपको इस लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि रीजनिंग में होता क्या है ना कि आपको टाइम वेस्ट करवाता है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना, तो जितना फास्ट हो सके और जितना फास्ट आप बना सके, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छे लॉजिक का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर भी क्वेश्चन आराम से देखिएगा इसको, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है 9 नंबर, बी है सी है ई है डैश है क्यू है जी है, ठीक है। तो पहले एक काम करो ना, आप लोग पहले बनाओ इसको क्वेश्चन को, पहले आप लोग बनाओ, वीडियो को पॉज करो और इसको आप बनाना, ठीक है, बनाना, प्रैक्टिस रीजनिंग है प्रैक्टिस। आप दिन में 10 ही क्वेश्चन पढ़ो, 11 ही क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चन पढ़ लिए कुछ समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम हो गया। आप 10 क्वेश्चन पढ़ो फ्रेंड्स, लेकिन अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको सोल्यूशन करता हूँ, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपका बी है, मैं यहाँ पे देख मैं इसको देख लेता हूँ, यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका बी है सी है ई है ये डैश हो गया और क्यू हो गया जी हो गया। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब ये सीरीज कैसे चल रहा है, सीरीज कैसे चल रहा है, देखिए अगर बी पे अगर सी में जाएंगे तो प्लस का 1 करेंगे ना, अगर सी पे ई जाएंगे तो प्लस का 2 करेंगे, और आप लोग क्या कीजिएगा कि ई पे अगर एफ जाएंगे तो प्लस का आप लोग 3 कीजिएगा। तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर कैसे करें, ये तो दिक्कत हो जा रहा है ना, लेकिन देखिए थोड़ा सा लॉजिक इसमें अलग है, तभी मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ, इजी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल है इसके मैं क्वेश्चन को लेके आऊँ। देखिएगा जिसको आता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी है, जिसको नहीं आता उसको समझिएगा आप लोग प्लीज। देखिएगा यहाँ पे बी पे सी में गए तो प्लस का 1 ऐड किए, अब हम सी से ई पे जाएंगे तो प्लस का 2 ऐड किए। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब यहाँ से तो ये अलग क्यू आ गया, तो ये अलग ही लॉजिक हो गया ना। तो देखिएगा, तो अब हम लोग ई पे हम कितना ऐड किए तो आइए मतलब क्या करें तो यहाँ पे क्या आएगा, तो सिंपल सा है। देखिएगा अगर ये पे 1 हो गया +2 + 2 को ऐड 4 + 4 8 8 8 16, मतलब क्या ये मल्टीपल चल रहा है, उसके दुगना गुना चल रहा है, ठीक है। तो देखिएगा 1 के बाद +2 हो गया, +2 के बाद +2 करेंगे तो 4 हो गया, +4 पे +4 के ऐड करेंगे तो +8 हो गया, +8 में +8 को ऐड करेंगे तो +16 हो गया। तो सिंपल सा आप याद रखिएगा कि अगर 2 में +2 के ऐड किए तो 4 हो गया, तो यहाँ पे देखिएगा 4 में क्या करेंगे, अगर प्लस क्या करेंगे तो यहाँ पे 1 में 1 2 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, तो +4 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई हो जाएगा था। ई में +4 ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो आई हो जाएगा, ई एफ जी एच आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई हो जाएगा ना। देखिएगा आराम से जो समझिएगा, तो ई में प्लस को 4 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आई हो जाएगा, और आई में आप प्लस को 8 ऐड कीजिए तो देखिए क्यू हो जाएगा। आई में आप देखिए 8 ऐड करके 8 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा, और क्यू में अगर 16 को ऐड कीजिएगा तो आपका जी आ जाएगा। देख लीजिए करके अगर आपको डाउट लग रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसे ये लॉजिक है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप ऐसे इसको आराम से देखिए और अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपका बोल रहा है, अगर आपको पहले इसको बना लीजिए आप लोग ज्यादा अच्छा रहेगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन कि किसी विशिष्ट कुछ भाषा में काइट को 9 लिखा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। 9 है ये, काइट को 9 के रूप में लिखा जाता है और मैजिक को 11 के रूप में लिखा जाता है, तो कुट भाषा में फेलिकिएशन, देखिएगा FELICIATATION, फेलिकिएशन को कैसे लिखा जाएगा, आराम से इसको क्वेश्चन समझिएगा। काइट को 9 लिखे, अब मैजिक को 11, अब सर काइट को कैसे 9 लिखेंगे हमको तो समझ में नहीं आएगा। आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले करोगे क्या कि K का लिखोगे, I का अल्फाबेट नंबर लिखोगे, T का लिखोगे, थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो ध्यान से देखिएगा इसमें क्या लॉजिक कह रहा है, लॉजिक क्या कह रहा है, KIT काइट लिख रहा है ना, तो काइट में यहाँ पे देखिए तो कितना लेटर है, 4 लेटर है, तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करके +1 कर दिए फ्रेंड्स, ठीक है, कर दिए। यहाँ पे मैजिक है तो मैजिक में क्या किए,
फाइव है, तो यहाँ पे फाइव में क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करके प्लस वन करेंगे तो इलेवन हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा इसको, तो मैं क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स की आई टी काइट कितना लीटर है, चार लीटर है, तो चार में टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एट हो गया। अगर प्लस को वन एड करेंगे तो कितना हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, नाइन हो गया ना। उसी प्रकार से आपका मैजिक है, तो मैजिक में अगर हम लोग फाइव लीटर कितना आपका फाइव है, और फाइव में हम लोग टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन हो जाएगा, टेन में प्लस वन करेंगे तो इलेवन हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे कितना फेलिकेशन में ट्वेल्व लीटर है, ट्वेल्व लीटर को टू से एड करेंगे 24 हो जाएगा, अब प्लस को 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ में आया, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, आप लोग अच्छे से समझिएगा इसको, ठीक है। बहुत ही अच्छे लॉजिक का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, देखिएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो देखिए इसको अच्छे से, क्योंकि मैं आपको एक एक क्वेश्चन ना इतने अच्छे लेवल से और अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ ना, ताकि आपको एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन इससे टफ तो पूछे ही नहीं जाएंगे रेलवे और एनटीपीसी में फ्रेंड्स, ठीक है। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिएगा 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद भी पहले पद से संबंधित है। मतलब कहने का मतलब क्या, आप उस विकल्प का चयन कीजिए, मतलब आप उसको खोजिए कि जो तीसरे पद है ना आपका, जो तीसरा पद है उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद भी से संबंधित है। मतलब क्या कि तीसरा पद किससे संबंधित होगा, इसी प्रकार से दूसरा पद संबंधित है, ठीक है। तो लॉजिक देखिए, इसमें लॉजिक क्या कर रहा है, सबसे पहले ना आपको मैंने बताया कि अल्फाबेट नंबर अल्फाबेट पोजीशन आपको याद होना चाहिए, तो सबसे पहले अल्फाबेट पोजीशन हम लिखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिएगा अल्फाबेट पोजीशन क्या हो जाएगा, एस का पोजीशन क्या होता है, 19 होता है, याद रखिएगा। एस टी फोर 20 मतलब टी से 20 रहता है ना, तो 20 से पहले क्या आता है, टी से पहले एस आता है, तो एस का पोजीशन क्या हो जाएगा, 19 हो गया। अब देखिए अब पी देखिए, अब पी से पहले क्या, पी से पहले क्या होता है, एम एन ओ, ओ होता है, तो ओ का पोजीशन क्या होता है, 15, तो पी का क्या हो जाएगा, 16। अब देखिए ओ यहां पे 15 है, अब आर का पोजीशन क्या होता है, आर का पोजीशन 18 हो जाता है, और टी फोर 20 तो 20 हो जाएगा, और एस का मैंने क्या बताया, 19 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सबको हम ऐड किए थे, तो 19 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 19 सबको ऐड किए ना फ्रेंड्स, तो कितना है, 107 आया। कितना है फ्रेंड्स, तो 107 आया। तो सर यहाँ पे तो 214 है, तो सिंपल सा है कि 107 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 214 हो जाएगा। आया कुछ लॉजिक समझ में, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या है, 107 में अगर हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि 214 हो जाएगा ना। उसी प्रकार से आपका सोशल लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे सोशल लिखा हुआ है तो एस का मैंने बताया 19, ओ का बताया 15, सी का होता है 3, और आई का होता है 9 पोजीशन, और ए का होता है 1, और एल का क्या होता है, 12 होता है। तो सबको ऐड कर दीजिए, तो अगर सबको 12 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 15 प्लस 19 को अगर ऐड कीजिएगा ना फ्रेंड्स, तो 59 आएगा, यानी कि 59 आएगा। अब 59 में अगर हम लोग 2 से, यहां पे तो 2 से मल्टीप्लाई किया तभी तो आया इतना, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। तो यहां पे देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 118 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन बहुत ही अच्छे से तरीके से समझ में आया होगा। तो प्लीज अगर आप अपने YouTube चैनल पीसीएस मेकर पे अगर आप नए होंगे ना, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए इतने अच्छे लेवल का क्वेश्चन लाऊंगा ना, ताकि आपका उस लेवल का क्वेश्चन, अगर जो भी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछे हुए ना, मैं वही क्वेश्चन लेके आऊंगा, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में इससे, मतलब कि आपको पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर ना जाकर इससे मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो ये मेरी गारंटी है। तो बने रहिए अपने YouTube चैनल पीसीएस मेकर पे। अगर मैंने टाइमिंग आपको बता दिया था, और हाँ अगर आपका इसका फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज आप टेलीग्राम, नीचे दिया हुआ रहेगा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कीजिए और फ्री में पीडीएफ पाइए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर रीजनिंग का क्लास थर्ड कल पे, तो बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।